Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। बदायूं हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हाँ, बदायूं में दो बच्चों की हत्या में शामिल मृतक साजिद का भाई जावेद देर रात बरेली से गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद जावेद ने बताया कि उसने मोबाइल फोन बंद करके दिल्ली भाग गया था। देर रात जावेद को बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड के पास स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हालांकि अब जावेद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है, जिसमें वो पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहता है, मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफलाइन कर रखा है। बात सुनो तुम, अभी जैसे कहने लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम भाई नहीं, मेरे याद आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है, मोहम्मद जावेद आईडी कार्ड चले बताइए। चले अपना फोन ना पीछे को, देखो देखो पीछे तो हां हां सही है, देखा मुझे जे इनकी रुका, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा वो जो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे, उन्होंने करा क्यों? उन्होंने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहां बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद ही कितने बच्चे मारे? दो। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खाते गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ चौकी ले चलो। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।